दिल्ली में एमसीडी चुनाव का डंका बज चुका है, जहां 4 दिसंबर को मतदान होना है। इस चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पूरी ताकत से मैदान में कूदने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इसमें सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि ऐसे भी उनकी सरकार दिल्ली में है। और दूसरा कारण है उनके वादे, जो कभी खत्म होते ही नहीं, चाहे वादे पूरे हो या ना हो। खैर, अब आम आदमी पार्टी इन सबके बीच नई मुश्किलों में फंस गई, जहां वो टिकट बिक्री के आरोप में फंस गई है। चलिए आपको भी बताते हैं अब पूरी खबर के बारे में। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के विधायक रिश्वत ले रहे, जो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर एमसीडी चुनाव के लिए टिकट बिक्री का आरोप लगा है। वह कुछ यूं कि कहा जा रहा है कि दावेदार ने 55 लाख रुपए दिए, लेकिन इसके बावजूद उसे टिकट नहीं मिला, जिससे नाराज होकर उसने शिकायत की। फिर इस शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ा एक्शन लिया। एसीबी ने विधायक के रिश्तेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 33 लाख रुपए नकदी की भी बरामदगी की गई। वही एसीबी की ओर से प्रेस रिलीज भी जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले ओम सिंह नाम को गिरफ्तार किया गया है। ओम सिंह के अलावा विधायक के पीए शिवशंकर पांडे उर्फ विशाल पांडे और प्रिंस रघुवंशी को एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले रिश्वत स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कमला नगर निवासी गोपाल खाड़ी ने एसीबी से शिकायत की थी। उनका आरोप था कि उनकी पत्नी शोभा खारी को टिकट देने के लिए पैसे लिए गए थे, लेकिन सूची में उनका नाम नहीं था। एसीबी की ओर से बताया गया है कि 14 नवंबर को गोपाल खारी ने शिकायत में बताया कि वो खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है और 2014 से ही पार्टी में एक्टिव है। गोपाल के मुताबिक 9 नवंबर को उन्होंने विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से मुलाकात की और उन्होंने पत्नी के लिए वार्ड नंबर 69 कमला नगर से टिकट देने की अपील की, जिसके बाद इसके लिए विधायक ने 90 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। फिर गोपाल ने 35 लाख रुपए अखिलेश पति को और 20 लाख रुपए वजीरपुर से विधायक राजेश गुप्ता को दिए। बचे हुए 35 लाख रुपए टिकट मिलने के बाद देने की बात कही गई। आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले और पीए ने गोपाल खारी से 90 लाख रुपए लेकर दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के तहत कमला नगर वार्ड से टिकट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन फिर जब 12 नवंबर को उम्मीदवारों की सूची आई तो गोपाल को अपनी पत्नी का नाम नहीं दिखा। इसके बाद विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले ओम सिंह ने गोपाल से संपर्क किया और उन्हें भरोसा दिया कि अगले चुनाव में टिकट दिया जाएगा। फिर जब पैसों की बात की गई तो उसने रिश्वत की रकम लौटाने का भी ऑफर दिया। एसीबी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने ऑडियो और वीडियो सबूत भी सौंपे। इसके बाद एसीबी ने एसीपी राजेंद्र कुमार की अगुवाई में एक टीम का गठन किया, जिसके बाद 15-16 नवंबर की रात टीम ने शिकायतकर्ता गोपाल के घर जाल बिछा दिया। एक तरीके से प्लान बनाया गया आरोपियों को पकड़ने का, जहां गोपाल के घर पर जब अखिलेश पति त्रिपाठी के तीनों करीबी 33 लाख रुपए वापस करने आए तो उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया। एसीबी ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। 33 लाख रुपए भी जब्त कर लिए गए। एसीबी ने केस दर्ज कर पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।